हमारी आज की कवर स्टोरी। और कवर स्टोरी में आज बात करेंगे देश की आर्थिक सेहत की। जी हां, चौथी तिमाही में जीडीपी की रफ्तार कुछ धीमी हो गई है। जनवरी से मार्च के बीच ग्रोथ सिमटकर 4.1% पर आ गई है। हालांकि साल दर साल से तुलना करने पर यह ग्रोथ अच्छी दिखेगी। कोरोना के चलते 2021 में जनवरी से मार्च के बीच ग्रोथ सिर्फ 2.5% थी। इस साल चौथी तिमाही में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 19.5% रही। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ में से WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स माइनस करने के बाद रियल ग्रोथ का पता चलता है। पूरे कारोबारी साल की अगर बात करें तो 2022 जीडीपी ग्रोथ 8.7% रही है। ये भी 8.9% के अनुमान से कुछ कम है। चौथी तिमाही में कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। इसकी ग्रोथ 2.8% से बढ़कर 4.1% हो गई। माइनिंग सेक्टर ग्रोथ की ग्रोथ भी -3.9% से बढ़कर 6.7% पर आ गई है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत बुरी स्थिति में कहा जा सकता है। चौथी तिमाही में इसकी ग्रोथ 15.2% से घटकर -0.2% पर आ गई है। हालांकि पूरे साल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ -0.6% से बढ़कर 9.9% पर आ गई है। और चलिए अब जरा ये जीडीपी के जो आंकड़े हैं इन पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुकी हैं, जानी मानी इकोनॉमिस्ट रुचिका भगत इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वागत है रुचिका आपका। आप किस तरह से देख रही हैं मैम, खास तौर से जनवरी मार्च के बीच ग्रोथ सिमटकर जो 4.1% पर आ गई है, क्या ये चिंताजनक है या आपको लगता है कि एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है? देखिए, अगर हम बात करें एक्सपेक्टेशन की तो एक्सपेक्टेशन तो हमारी कम थी। एक्सपेक्टेशन थी हमारी 3.5% की। स्टिल बेटर है हमारी एक्सपेक्टेशन से। 4.1 पे पहुंची है हमारी जीडीपी जो है लास्ट क्वार्टर की। बट हाँ, बहुत सारे रीजन है अगर आप देखें इस लो ग्रोथ रेट के। जैसे हमने पहले ही एक्सपेक्ट किया था क्योंकि हमें पता था ये रीजन जो है अनअवॉइडेबल है और चल रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि जैसे यूक्रेन वॉर है वो एक अनअवॉइडेबल है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल बढ़ा, तो क्रूड ऑयल के रेट बढ़ने की वजह से अगर आप देखें हमारा पूरी इकोनॉमी जो है वो क्रूड ऑयल के ऊपर बेस्ड है। हमारा इंपोर्ट सेक्टर जो है, हमारे इंपोर्ट बिल्स जो है वो क्रूड ऑयल के ऊपर बेस्ड है। तो अगर एक क्रूड ऑयल ही बढ़ता है तो सारी इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप देखें। तो उसकी वजह से शायद हमारा जो जीडीपी था क्वार्टर फोर का वो कम तो है बट हाँ हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा है। और ओवरऑल 8.9 का अनुमान 8.7 रहा है। ओवरऑल आप किस तरह से देखती हैं कि क्या प्रदर्शन अनुमानों के मुताबिक ही रहा, कम रहा या ज्यादा रहा? देखिए, जो हमारी अभी जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन थी जिस हिसाब से, जैसे मैंने आपको कहा कि एक हमारा कि जो यूक्रेन वॉर था, इसके अलावा अगर आप देखें इतनी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रही थी, हमारा इन्फ्लेशन रेट हमारा जो था 8% के करीब था, इतने सारे कारणों के बावजूद भी अगर आप कहते हैं कि मेरा जो है 8.9 पे कहीं आ रहा है जीडीपी, तो आई थिंक इट्स ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी ग्रोथ रेट है, बट ठीक है। इतनी कंटीजेंसीज होने के बाद भी अगर हम इस रेट पे चल रहे हैं 8.9 पे तो इट्स समवट गुड। मैं ये नहीं कहूंगी बहुत बुरी है या बहुत अच्छी है। मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ माइनस रही है रुचिका, बहुत बड़ा इंडिकेटर है इकोनॉमी का, बहुत बड़ा पिलर है। इसके रिवाइवल के लिए क्या करना होगा और मैन्युफैक्चरिंग में ये जो गिरावट रही है ग्रोथ की, इसके पीछे के कारण आप क्या मानती हैं? देखिए, अगर हम देखें तो हमारी इकोनॉमी बेसिकली तीन सेक्टर्स पे है। एक हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारा। जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, जैसे आपने अभी बताया एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर 2.8 एक्सपेक्टेड था बट अल्टीमेटली हमारा 4.4 ग्रोथ रेट है, दैट इज गुड। सिमिलरली हम अगर सर्विस सेक्टर की तरफ देखते हैं तो सर्विस सेक्टर भी हमारा अच्छा कर रहा है, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छी है। बट जब हम आते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ है वो इस बार कम रही है, इनफैक्ट नेगेटिव में चली गई। बट ओवरऑल अगर आप ग्रोथ देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग का तो वो 9.9% का। अब हमें पहले यह जानने की जरूरत है कि इसके कारण क्या है, क्यों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ जो है वो कम है। इसके बहुत बड़ा रीजन जो था वो क्रूड ऑयल था, क्योंकि आप देखेंगे कहीं ना कहीं हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कहीं ना कहीं उसका जो बेस है वो क्रूड ऑयल है। कहीं हर जगह पे अगर आप देखें, चाहे आपका टेक्सटाइल सेक्टर है, चाहे आपका रबर सेक्टर है, चाहे आपकी कोई भी इंडस्ट्री है, अगर आप देखें तो उसका बेस जो है वो क्रूड ऑयल है। अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है
तो फिर इसके अंदर इनके खर्चे बढ़ते हैं, खर्चे बढ़ेंगे तो अनडाउटेडली जो ग्रोथ रेट है वो कम होगी। अगर आप इतने सारे इसके बावजूद अगर आप देखें, इतने सारे रीजंस के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है कहीं 9.9% पे रुका है, तो मेरे हिसाब से ये ठीक है, मतलब बहुत बुरा रिजल्ट नहीं है इसका। एब्सोल्युटली। और एक बार फिर से कृषि ने सहारा दिया है, एग्रीकल्चर सेक्टर ने, लेकिन हर बार ये सहारा देता है, लेकिन इसको सहारा देने के लिए कहा जाता है कि जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं वो नाकाफी हैं। कैसे तारतम्य आगे बैठेगा? और इतना इम्पोर्टेंट सेक्टर जिसने कोरोना काल से लेकर अब तक संभाला हुआ है एक तरह से, इतने इम्पोर्टेंट सेक्टर के लिए जितना अटेंशन दिया जा रहा है, क्या वो पर्याप्त है? मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इनफैक्ट वो कोरोना फर्स्ट वेव से ही हमारा साथ दे रहा है। अगर आप देखें, हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो उसने हमें इनफैक्ट इंडियन इकोनॉमी को संभाल के रखा हुआ है। हाँ, हमें बहुत जरूरत है एग्रीकल्चर सेक्टर को और इसको बेनिफिट्स देने की। जैसे अभी लास्ट टाइम बजट में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने काफी निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने काफी इसके अंदर हमें, अगर आप देखें तो बहुत सारे इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर में चेंजेस आए थे। बट हाँ, अभी और जरूरत है इसके अंदर। अगर इसी तरह से अगर हम अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट है हमारी इकोनॉमी, तो हमें उसको बूस्टअप करने की बहुत जरूरत रहेगी। एब्सोल्युटली। और रुचिका, अब आगे की राह, क्योंकि जिन जिन कारणों का हवाला एक्सपर्ट्स और इनफैक्ट आप भी दे रही हैं, यू नो, यूक्रेन, रशिया वॉर, इन्फ्लेशन, क्रूड, कमोबेश वही हालात आज भी हैं। इनफैक्ट हालात कुछ मामलों में तो खराब ही हो रहे हैं। क्रूड का हम जिक्र करेंगे एक अलग सेगमेंट में। सो चिंताएं किसी भी मोर्चे पर कम नहीं हुई हैं। ऐसे में क्या इसी तरह का जो ट्रेजेक्ट्री है वो डाउनवर्ड्स देख रही है आगे, या कुछ कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी हैं जहां से सपोर्ट मिल सकता है? देखिए, जैसे अगर आप ये वाला सिनेरियो कहें तो हाँ, ये सिनेरियो चलता रहेगा, मगर अगर गवर्नमेंट कुछ अपनी पॉलिसीज में फेरबदल करती है, जैसे आपने देखा होगा इन अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने काफी चेंजेस किए, इनफैक्ट आरबीआई पे भी मैं अभी आऊंगी, आरबीआई ने जो चेंजेस लेके आई है, गवर्नमेंट ने वीट एक्सपोर्ट बैन कर दिया, गवर्नमेंट ने ऑयल इम्पोर्ट जो है उसको स्टार्ट कर दिया, इनफैक्ट गवर्नमेंट अभी कुछ हद तक तो अगर आप देखें तो पेट्रोल प्राइसेस को कंट्रोल में किए हुए हैं, तो ये सारे फैक्टर्स जरूर काम करेंगे आगे फ्यूचर ग्रोथ रेट में। जीडीपी शायद मुझे लगता है कि अभी तो जो Q1 है उसपे आने में अभी टाइम है, 1 महीना है, बट मुझे लगता है कि उसके जो रिजल्ट्स हैं कुछ बेटर होंगे। सिमिलरली जब मैं आरबीआई की बात करती हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बोला, आरबीआई अभी अगर आप देखें तो 4 मई को प्रपोजल लेके आई थी, आरबीआई ने 40 BS जो अपने पॉइंट्स जो है वो बढ़ाए हैं। इसी तरह से मुझे लगता है कि अगर आरबीआई इसी तरह से अभी 6 जून को आरबीआई की फिर दोबारा मीटिंग है, तो शायद कुछ और इसके लिए लेके आए, प्रोविजंस लेके आए, जिसकी वजह से थोड़ा सा इन्फ्लेशन और कंट्रोल हो सकती है हमारी, और ग्रोथ रेट में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है हमें। एब्सोल्युटली। हाई प्राइसेस, कंज्यूमर वॉलेट, एक आम आदमी की जेब पर तो असर डाल ही रहे हैं, साथ ही साथ में प्रोडक्शन कॉस्ट को भी बढ़ा रहे हैं, इनपुट कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं। स्वाभाविक तौर से एक ये बड़ा मोर्चा है जिससे लड़ने की जरूरत है, जिससे पार पाने की आवश्यकता है, ताकि ग्रोथ जो है वो आगे अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में दिखे और स्मूथ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया रुचिका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी का रुख करते हैं, जो जुड़ी है क्रूड से। अब सवाल यह है कि क्रूड आखिर एक बार फिर से क्रूर क्यों हो गया है? भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को राहत दिलाने के लिए टैक्स में कटौती की थी, लेकिन अब लग रहा है कि ये राहत शायद ज्यादा दिनों तक ना टिकी रहे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कच्चा तेल एक बार फिर से आग बबूला हो गया है, कच्चे तेल में फिर से आग लगी है। ब्रेंट क्रूड $123 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है, WTI क्रूड भी $118 प्रति बैरल के पार बना हुआ है। MCX पर क्रूड को देखें तो ये 9,200 के पार निकल चुका है। क्रूड का दाम 3 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका है, महज 1 महीने के भीतर इसके दाम में 14% का उछाल, 1 महीने में 14% का उछाल। जी हाँ, और कच्चे तेल की कीमतों में लगी इस आग की कई वजहें भी हैं। यूरोपियन यूनियन में रूस से तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सहमति बन गई है। इस फैसले से रूस से तत्काल 75% इंपोर्ट प्रभावित होगा और साल के अंत तक 90% रूसी तेल पर रोक लगेगी। इसी हफ्ते ओपेक देशों की बैठक भी होने वाली है। इस बैठक में प्रोडक्शन बढ़ाने पर विचार किया जाएगा, लेकिन इस पर कोई पॉजिटिव फैसला होगा इसकी उम्मीद जानकारों को कम ही है। एक और बात है, 1 जून से चीन में कोरोना संबंधी प्रतिबंधों में ढील जाएगी और इससे क्रूड की डिमांड स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। अब डिमांड बढ़ने का मतलब यह है कि कच्चे तेल की कीमतों में जितनी ज्यादा डिमांड होगी फिर उतनी ज्यादा तेजी आएगी।
अमेरिका में समर ड्राइव सीजन की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में यहाँ ट्रैवल एक्टिविटीज में और तेजी आएगी, फ्यूल डिमांड बढ़ेगी, इस वजह से फिर जो है प्राइसेस अप हो सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम स्वाभाविक रूप से इसके बाद बढ़ेंगे। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि क्रूड ऑयल $130 के पार जा चुका है। इसका सीधा मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम बढ़ेंगे, भारत भी ज्यादा वक्त तक इस बढ़ी हुई कीमतों से बच नहीं पाएगा और ईंधन के दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं। कच्चे तेल के दाम कम होने के लिए जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात सुधरे। कच्चे तेल को कूल डाउन करने के लिए जरूरी है कि रूस यूक्रेन युद्ध थमे, ताकि यूरोपियन यूनियन रूसी तेल पर प्रतिबंध हटाए, ओपेक देश प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला लें और अमेरिका अपने रिजर्व से ज्यादा क्रूड निकाले, तो ही कीमतों में राहत मिलनी शुरू हो सकती है, क्योंकि संकेत मिलेंगे। लेकिन जब तक इस मोर्चे पर कोई फैसला नहीं होता, तब तक क्रूड ऑयल की आग थमने का नाम नहीं लेने वाली है। और भारत में वैसे तो रूस से सस्ते दामों पर क्रूड आयात हो रहा है, लेकिन अगर क्रूड $130 का आंकड़ा पार करता है तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का दबाव भी बढ़ सकता है, जैसा हम बता ही रहे हैं। अब कच्चे तेल में उछाल का भारत पर क्या असर होगा, डिटेल में बता रही है मेरी सहयोगी नेहा आनंद। देखिए, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है कि अब जब कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर से उठने लगी तो हम पर क्या असर पड़ेगा। जहां तक भारतीय इकोनॉमी का सवाल है, कच्चा तेल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब जब कच्चा तेल महंगा होता है, हमारे यहाँ पर रुपया कमजोर होने लगता है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का खतरा हो जाता है। अब जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका गाड़ी चलाना यहाँ महंगा हो जाएगा, डीजल की कीमतें जब जब महंगी होती हैं, आपके ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े सारे कॉस्ट, पूरी लागत यहाँ बढ़ जाती है। फिर आपके खाने पीने की चीज़ें, आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें, पेंट, तेल, आपकी दालें, जो भी आप सामान इंपोर्ट करवाते हैं, फिर चाहे वो खाने का तेल हो, दालें हो या और कुछ भी, सारे इंपोर्टेड सामान यहाँ पर महंगे हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा, रुपए पर इसका नेगेटिव असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का 80% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, तो जाहिर तौर पर जब जब कच्चा तेल यहाँ महंगा होगा, हमारे फॉरेक्स यहाँ डिप्लीट होते चले जाएंगे और रुपए पर इसका दबाव देखने को मिलेगा और साथ ही महंगाई की आग भड़केगी। क्योंकि जब जब कच्चा तेल महंगा होता है, इससे जुड़े हुए इकोसिस्टम में जितनी भी चीज़ें हैं वो महंगी होती चली जाती हैं। तो ये इस लिहाज से एक चिंता का विषय है। कई एक्सपर्ट से हमने बात की है, वो ये मान के चल रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से तो आपको कच्चे तेल की कीमतों में कोई राहत नहीं मिलेगी। हम ऑलरेडी इस साल $140 के मल्टी ईयर हाइज का लेवल देख चुके हैं। एक्सपर्ट्स उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल मानकर चल रहे हैं कि आने वाले समय में अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन सुलझता नहीं है तो कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर और तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए चर्चा करते हैं इस पर आगे, ये चाल, इसकी ट्रैजेक्टरी कैसे रहेगी। डेलॉयट इंडिया में एनर्जी रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रियल के लीडर देवाशीष मिश्रा जी हमारे साथ हैं। देवाशीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। किस तरह से स्थिति को आंकते हैं सर? हिंदी में बड़े अच्छे अच्छे शानदार कैच लाइन आ रही हैं। हमने कहा है कि क्रूड बड़ा क्रूर हो गया है, तो ये कब तक अपनी क्रूरता दिखाते रहेगा? आपने सही बताया, और आपने जो अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में जो 4-5 फैक्टर्स गिनाए वो पूरा टू द पॉइंट था। ये चीज हो रहा है कि डिमांड साइड में आपने जैसे बताया कि चाइना में जो लॉकडाउन था, जीरो टॉलरेंस के वजह जो पॉलिसी था उनका कोविड का, वो धीरे धीरे हट रहा है, तो चाइनीज डिमांड इज कमिंग बैक। यूएस में समर डिमांड बढ़ रहा है, तो डिमांड साइड में तो सिचुएशन ऐसा है कि ये 98.5-99 बैरल हो गया है, ये ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल पे है। और थर्ड क्वार्टर, मतलब जो सेप्टेम्बर क्वार्टर तक आप देखें तो ये $100 क्रॉस करके ईयर एंड तक $101 तक, 101 मिलियन बैरल पर डे तक चला जाएगा कच्चे तेल की जो डिमांड है। पर आप सप्लाई साइड से देखें तो सब जगह से बुरी खबर ही आ रही है। जियोपॉलिटिक्स एक साइड है, जियोपॉलिटिक्स में आप देखिए जो यूक्रेन और रशिया की जो युद्ध है, ये पहले तो लगा था सब एनालिस्ट को कि ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, पर दोनों साइड अड़े हुए हैं और बड़े बड़े पावर्स इन्वॉल्व है, तो खींचता जा रहा है। ये लास्ट 2-3 दिन में और भी एक डेवलपमेंट हुआ है, यूएस ने एक ईरानियन टैंकर शिप को जब्ती कर लिया, तो ईरान ने ग्रीस के दो गल्फ ऑफ हॉर्मुज में ग्रीस के दो ऑयल शिप टैंकर्स को जब्ती कर लिया। तो ये सब जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है,
इससे सप्लाई साइड में भी बहुत अनसर्टनिटी हो रहा है। और आप जैसे आपने बताया ओपनिंग स्टेटमेंट की ओपेक बढ़ा नहीं रहा है, ओपेक जो मेन एक्सपोर्टर है वो जो 3 मिलियन बैरल का वहां डिफरेंस आ रहा। कई साल पहले ओपेक 32-33 मिलियन बैरल पर डे एक्सपोर्ट करता था, आज के दिन में 28-28.5 मिलियन बैरल कर रहे हैं। इनको यही है कि ऑयल प्राइस सप्लाई साइड से भी थोड़ा कंस्ट्रेंट रखे तो प्राइसेस हाई रहे तो उनको भी फायदा है। और कई सारे ओपेक कंट्रीज ऐसे हैं जिनको इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहा है, जैसे वेनेजुएला है, नाइजीरिया है, और डिसरप्शंस हैं जैसे लीबिया है, और सऊदी और यूएई ये जानबूझ के नहीं बढ़ा रहे ज्यादा कि प्राइस हाई रहे। तो सब तरह से एक ऐसा सिचुएशन बना हुआ है कि कच्चे तेल के जो दाम है आपने जैसे बताया ये हायर साइड में ही रहेंगे जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ा कम ना हो जाए। अब देखिए मैं तो आपसे भी बात की, बहुत सारे लोगों से भी बात हुई, जियोपॉलिटिकल टेंशंस कब ख़त्म होंगी या कम होंगी उसके बारे में तो अभी देखिए कुछ कहा जा नहीं सकता है। अब सवाल ये है कि डोमेस्टिकली हम क्या करें, हमारी नीतियाँ क्या हों। आज ही आप GDP नंबर्स देखिए, सो अनुमान से कम रहे हैं, क्वार्टर फोर का तो बुरा हाल है, मैन्युफैक्चरिंग साइड पूरी तरह से प्रभावित हुई है। अब डोमेस्टिकली हमें क्या करना होगा देवाशीष कि आगे ये थोड़ा सा बच बच के हम लोग चल पाए या असर जो है वो कम हो पाए हम पे? ये डोमेस्टिकली कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो है नहीं। आपका जो प्रीवियस आप डिस्कशन में भी सुन रहा था कि जो इकोनॉमी है इसका जो कच्चे तेल के दाम का बहुत ज्यादा असर होता है हर हर सेगमेंट में अपना इकोनॉमी का। और 85% अपना कच्चा तेल इंपोर्ट होता है। अपना जो है जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है बॉम्बे हाई हो गया या केन हो गया जो सब मिला के जो है वो गिरता जा रहा है, मतलब 28 मिलियन टन रह गया है जो कुछ साल पहले 33-34 मिलियन टन होता था वो 28 मिलियन टन रह गया है, वो गिरता जा रहा है। और ऐसा कुछ बहुत जल्दी उसका बढ़ने की भी कोई उम्मीद नहीं है। 28 साल में सबसे कम सर डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। और वो जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है इंपोर्ट का और वो अपना डिपेंडेंस का बढ़ता जा रहा है। तो सरकार कुछ चीजें तो जो कर रहे हैं जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग वो 10-12% से अभी उसको 20% कर दिया और 2025 तक कर दिया, तो उसका एक असर तो फार्मर के इनकम पे भी होता है और उससे थोड़ा इनकम होता है। कि जो जो डीजल जो चलते हैं अगर जल्दी जल्दी उसको इलेक्ट्रिक, फिलहाल भारत यही उम्मीद कर सकता है कि ये कंफ्लिक्ट जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और कच्चा तेल जो है $70-80 पर बैरल पे जाए। अदरवाइज का सीधा सीधा असर है, आपने जैसे बताया 150 बिलियन डॉलर का FY22 में हमारा एनर्जी इम्पोर्ट था। ये खाली कच्चा तेल ही नहीं बढ़ा है, अब देखिए कोयला भी 20% हम लोग इंपोर्ट करते हैं और LNG भी 50% इंपोर्ट करते हैं, सब बढ़ा हुआ है। $150 बिलियन अपना इंपोर्ट बिल था ऑन एनर्जी, अगर ये लेवल पे रहा कच्चा तेल और LNG और कोल तो ये साल FY23 में अगर ये ईयर एंड तक यही लेवल रहा तो हमारा $100 बिलियन से ज्यादा इंपोर्ट बढ़ जाएगा एनर्जी। तो $250 बिलियन अगर एनर्जी पे इंपोर्ट रहता है तो उसका सीधा सीधा असर करंट अकाउंट डेफिसिट पे रहता है और उसका असर रुपया वीकनेस हो जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट का, उसका फिर फिस्कल डेफिसिट पे असर आता है, तो उसका ओवरऑल इकोनॉमी पे FY23 में बहुत सारा असर रहेगा। तो यही उम्मीद है कि अपना Q2 तक अगर ये कुछ कम हो जाए तो सेकेंड हाफ बेहतर रहेगा इकोनॉमी के लिए। एब्सोल्युटली, जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे, अब क्रूड की भी बात हो गई और ओवरऑल GDP की भी बात हुई तो आर्थिक सेहत की बात मैं थोड़ा सा आपसे भी कर लेता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब साल भर में जितना ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अपवर्ड्स होनी थी हो गई, अब लग नहीं रहा है कि अब इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी रफ्तार से आगे बढ़ पाएगी, कुछ लोग तो ब्रेक भी कह रहे हैं कि अब ब्रेक लग गया अब इकोनॉमिक ग्रोथ को। आप भी मानते हैं सर या कुछ कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ से हम उम्मीद रखें कि नहीं चीज़ें ठीक हो सकती हैं? मैं तो थोड़ा ऑप्टिमिस्ट किस्म के इंसान हूँ, तो मैं तो सोचता हूँ कि FY
23 में डिमांड साइड में तो अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि लोग स्पेंड कर रहे हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज्यादा है, बट जैसे ही आपने देखा भारत सरकार और आरबीआई दोनों मिलके जो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं तो उसका भी सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा। आप एक चीज देखिए कि FY22 का जो सर्विसेज था वो भी म्यूटेड था, बट सर्विसेज FY23 में बाउंस बैक होगा, प्री कोविड लेवल से भी आगे चला जाएगा। पर अपना इकोनॉमी का बहुत बड़ा पोर्शन तो सर्विसेज ही अभी भी 56-57% तो, और भारत एक कंज्यूमिंग कंट्री है, यंग कंट्री है, तो उसका उसका बाउंस ही रहेगा। तो मेरे को नहीं लगता कि ठीक है, मतलब ये ग्लोबल जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटी है, उससे 75-100 बेसिस पॉइंट कम हो सकता है, बट हमको तो अभी भी यही उम्मीद है कि भारत विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमीज अमंग द G20 कंट्रीज ऑल्सो इन FY23 ऑल्सो। और ये जब भी अपने को ये मिल जाएगा, ये थोड़ा सा ये एनर्जी इंपोर्ट्स में थोड़ा राहत मिल जाएगा, तो उसके बेसिस पे और भी आगे जाएंगे, क्योंकि पॉलिसी रिफॉर्म काफी हुआ है। आपने तो देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में इतना सारा यू नो बेनिफिट मिला है, PLI स्कीम, ये सब का तो असर दिखेगा ना। तो बिल्कुल कुछ भी हो, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी हमारी, और कंजम्पशन अगर बढ़ता है तो फिर किस बड़ी से बड़ी मुसीबत से पार होने में देर नहीं लगेगी, उम्मीद यही करते हैं। लेकिन आपने जैसा बताया इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत रहेगा, लेकिन इस इन्फ्लेशनरी प्रेशर के बीच में हम लोग डिमांड जनरेट करने में कितना कामयाब रह पाते हैं और कंजप्शन कितना स्टेबल रख पाते हैं, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया देवाशीष, आपने बहुत आसान भाषा में और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच। आइए बात बाजार की कर लेते हैं। उतार चढ़ाव के बीच बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 359 अंक लुढ़ककर 55,566 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 77 अंक गिरकर 16,584 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 339 अंक टूटकर 35,487 के लेवल पर यह बंद हुआ है। मार्केट पर आज कहां कहां कैसा कैसा एक्शन देखने को मिला, ये बता रहे हैं मेरे सहयोगी वरुण। ओवर टू यू वरुण। देखिए, एक मिला जुला ट्रेडिंग सेशन जो है आज भारतीय बाजारों में देखने मिला है। कल की तेज़ी के बाद जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत मार्केट को कूल ऑफ होना था, और वो शुरुआती ट्रेडिंग सेशन में हुआ भी। काफ़ी सुस्त आज शुरुआती ट्रेडिंग सेशन था, लेकिन उसके बाद दिन के दौरान अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने रिकवरी की कोशिश की थी। हालांकि आखिरी घंटों में खासकर बैंकिंग स्टॉक से जो बिकवाली आई उसके बाद मार्केट जो है वो लाल निशान में बंद हुआ है, तो काफ़ी वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन था। स्टॉक एक्शन की बात करें तो निफ्टी के देखिए टॉप लूजर्स में कोटक बैंक, यहाँ आज गिरावट देखने मिली। HDFC में गिरावट देखने मिली। सन फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे दिग्गज जो थे वो आज लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। इसके अलावा डायग्नोस्टिक काउंटर और उसमें भी खासकर मेट्रोपोलिस में अगर आप देखेंगे तो लगातार गिरावट देखने मिल रही है। आज भी यहाँ गिरावट थी। गोदरेज कंज्यूमर्स, वही आयल केमिकल, LIC, यहाँ पे नतीजों के बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली या फिर गिरावट जो है इन काउंटर्स में देखी गई है। फोकस में HOEC था, नतीजों के बाद इस काउंटर में तेजी थी। इसके अलावा भारत डायनेमिक्स जो ऑर्डर मिला है उसका इंपैक्ट देखने मिला। आज जितने भी एक्सचेंजेस थे उनमें अच्छी खासी तेजी थी, जैसे कि BSE लिमिटेड ले लीजिए, MCX का काउंटर ले लीजिए, CDSL ले लीजिए, इन काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी थी। वहीं MSCI की जो रिबैलेंसिंग होनी है उसके चलते देखिए टाटा LXC, इसको MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल किया जाना है, और उसके चलते काफ़ी हद तक इस काउंटर में खासकर आखिरी घंटों में अच्छी खासी खरीदारी देखने मिली। टॉप कॉल्स जो हमारे चैनल पे दिए गए, मिर्ज़ा इंटरनेशनल, श्रीराम प्रॉपर्टीज़, MPS, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ये तमाम वो काउंटर्स हैं जहाँ पे आपको खरीदारी की सलाह दी गई और इन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी हुई है। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो कच्चे तेल में जो उछाल आया उसका इंपैक्ट ONGC में देखने मिला। वहीं ऑटो नंबर्स के पहले M&M का काउंटर जो था उसमें अच्छी खासी तेज़ी थी। कोल इंडिया, JSW स्टील जैसे काउंटर्स जो थे वहाँ अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली, यानी कि मेटल्स और माइनिंग काउंटर्स में तेज़ी थी। इसके अलावा इन्फो एज, यहाँ पे अच्छे खासे गेंस देखने मिले। पिरामल एंटरप्राइजेस, कैंप्स और GSFC जैसे काउंटर्स है जहाँ पे अच्छे खासे गेंस देखने मिले हैं। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो एक मिला जुला ट्रेडिंग सेशन था, लेकिन लाल निशान में निफ्टी बंद हुआ है। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक स्पेसिफिक भरपूर एक्शन देखने मिला है। शुक्रिया वरुण इस तमाम जानकारी के लिए। और जरा फटाफट से देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का क्या हाल है। अमेरिकी बाजारों को स्पेसिफिकली देखने की कोशिश करते हैं तो आप देखिए लाल निशान में इंडाइसेस अमेरिका के कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। 0.5% से कुछ ज़्यादा की गिरावट के साथ, 204 अंकों की गिरावट के साथ 33,005 के स्तर पर डाउ जोन्स, और लगभग 0.5% से थोड़ा कम 51 अंकों की गिरावट के साथ नैस्डैक कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 12,081 के लेवल पर।
और आधा परसेंट से थोड़ा ज्यादा की गिरावट के साथ 41,033 पर S&P कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो सुस्ती छाई हुई है अमेरिकी बाजारों में शुरुआती रुझान के मुताबिक। अविनाश गोरक्षकर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के डायरेक्टर। अविनाश जी बहुत बहुत स्वागत है। सर किस तरह की चाल अब आगे मार्केट की रह सकती है? देखिए मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में आज जो सेकंड हाफ में हमने देखा काफी बिकवाली देखने को मिली, क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि अभी नियर टर्म में जो फिकर लोगों को है वो क्रूड ऑयल को लेके, आज क्रूड करीबन 121-122 डॉलर था, तो मेरे ख्याल से वो एक फैक्टर था जिसमें मार्केट्स को बाद में सेल ऑफ देखने को मिला। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में जो अपस्ट्रीम कंपनियां जैसे कि ONGC है, ऑयल इंडिया है, यहाँ पे नजर रखें, क्योंकि क्रूड जब तक 120-122 डॉलर वैसा है तो इन कंपनीज के लिए काफी फायदा होगा। कल के सत्र में भी आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। दूसरी जो सेक्टर लाइमलाइट में था वो ऑटो था, मुझे लग रहा है कि ऑटो अच्छा करना चाहिए, क्योंकि स्पेशली महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो उन्होंने बहुत ही बड़े बुकिंग्स उनके XUV700 के लिए उनको मिले, करीबन 1.7 लाख की बुकिंग है, वेटिंग पीरियड करीबन 2 साल उस गाड़ी के लिए, तो कहीं ना कहीं ऑटो में आपको अच्छे नंबर्स देखने को मिले। कल वैसे भी मंथ के नंबर को ऑटोमोबाइल शेयर्स में देखने को मिलेगा, जैसे कि टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, मारुति है, तो ऑटो और जो अपस्ट्रीम कंपनीज है वहां पे नजर रखिए। और मेरे ख्याल से कहीं कल का सत्र ऐसा होना चाहिए जब आप स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा पोजिशन ले। इंडेक्स में हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रेशर हो, क्योंकि जो फॉलो अप बाइंग थी वो आज आई नहीं है और FIs वापस आज नेगेटिव बेच के निकल गए, तो थोड़ा सा मार्केट कल वोलेटाइल रहेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी जो मैंने कहा है वहां पे फोकस करेंगे तो थोड़े ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के मौके इन्वेस्टर्स को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी इस तमाम जानकारी के लिए, और कल के लिए हमारे दर्शकों की तैयारी कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली का असर लगातार देखने को मिल रहा है, और एक बार फिर मुंबई पुलिस ने ऐसे ही फर्जी लोन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई की है जो लोगों को लोन देने के बाद उन्हें ब्लैकमेल करते थे। मुंबई पुलिस ने ऐसे ही 100 फर्जी लोन ऐप्स को ब्लॉक करने की तैयारी की है। मुंबई पुलिस ने 4 नई FIR दर्ज की है, अब तक 27 मामले दर्ज हो चुके हैं। मुंबई पुलिस ने ऐसे ही 100 फर्जी लोन ऐप्स की सूची तैयार की है और साथ ही उसे नोडल एजेंसी CRTN को ब्लॉक करने के लिए भेज दिया है। मुंबई पुलिस ने एक बार फिर ऐसे जालसाजों के खिलाफ 4 नई FIR दर्ज की है, अब तक कुल 27 मामले दर्ज हो चुके हैं। आपको बताएं कि पिछले हफ्ते वसूली एजेंट्स के उत्पीड़न के चलते मलाड में रहने वाले एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी, इसी तरह की कुछ और खबरें हमें सुनने को मिली। इसके साथ ही देश के अन्य राज्यों में भी ऐसे ही फर्जी लोन ऐप के जरिए ब्लैकमेल होने वाले कुछ लोगों ने आत्महत्या जैसे कदम उठा लिए थे। कोविड महामारी के बाद देश के हर सेक्टर में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। रिटेल या आउटलेट में भी काफी तेजी देखने को मिल रही है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि एक साल के भीतर 3,206 रिटेल आउटलेट्स खोले गए हैं। कोविड काल में जिन मॉल्स में सन्नाटा था, आज तेजी से खुल रहे हैं नए रिटेल स्टोर्स और आउटलेट्स। कंपनियों के सूत्रों की माने तो रिलायंस, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, डीमार्ट और ट्रेंड समेत देश के दिग्गज 9 लिस्टेड रिटेलर्स ने बीते साल से लेकर अब तक करीबन 3,206 रिटेल आउटलेट्स खोले हैं। जो कंपनियां कोविड में एक्सपैंड नहीं कर पाई, अब वो अपना एक्सपेंशन रेट दुगना कर रही हैं। If you look at from October onwards, brands very bullish. They realized, they've seen the numbers, they've seen that malls are performing well, लोग वापस आ रहे हैं, उनका जो ग्रोथ हो रहा है काफी हेल्दी है, and this is the right time to get quality spaces. काल में लिस्टेड रिटेलर्स के भारत में कुल रिटेल स्टोर्स और आउटलेट्स थे 19,597, जो आंकड़ा बढ़कर अब हो गया है 22,803। दरअसल कोविड में 2 सालों से घर में बंद लोग अब बाहर निकलकर शॉपिंग करना चाहते हैं। कोविड काल में प्राइम प्रॉपर्टीज के किराए भी घटे थे। इन्हीं दो बड़ी बातों के मेल से बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने एक्सपेंशन प्लान्स और ग्रोथ की रफ्तार बढ़ा दी। मसलन रिलायंस रिटेल 80 लाख स्क्वायर फीट में एक्सपैंड कर चुका है, जो कि कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा एक्सपेंशन नंबर है। ट्रेंड, डीमार्ट और रिलायंस रिटेल ने बीते 5 सालों के मुकाबले अब सबसे ज्यादा स्टोर खोले हैं। शॉपर्स स्टॉप करीबन 15 नए स्टोर्स खोलने की तैयारी में है। जिन लोगों ने डील्स उस टाइम पे कोविड के जस्ट बाद की थी या वेव 2 से जस्ट पहले की थी,
तो वो उस टाइम पे उनको रेट में काफी कम में डील हुई, फिर बाद में रेट रिवाइज हुए। तो ऐसा रिटेल का फ्लक्चुएशन चला लास्ट 2 सालों में। ब्रांड्स के रिटेल स्टोर्स और आउटलेट्स में 25% की ग्रोथ देखी गई है। कंपनी की माने तो कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स देखते हैं तो ऑफलाइन जाकर उन प्रोडक्ट्स को फील करना चाहते हैं उन्हें खरीदने से पहले। वहीं ऐसे कस्टमर्स भी हैं जिनकी कोविड की वजह से हैबिट बन गई है ऑनलाइन शॉपिंग की। दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से ब्रांड्स की ग्रोथ भी बढ़ी है। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। मुंबई में घरों की बिक्री के मामले में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। मुंबई बीएमसी क्षेत्र में इस साल मई के महीने में 9523 घरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनसे राज्य सरकार को 709 करोड़ का राजस्व हासिल हुआ, जो मई महीने में बीते एक दशक में सबसे ज्यादा है। घरों की बिक्री में 54% 1 करोड़ या उससे ज्यादा कीमत के घर हैं, जबकि एरिया की बात करें तो 500 से 1000 स्क्वायर फीट के घरों की रजिस्ट्री 48% बढ़ी है, जो सबसे ज्यादा है। ओवरऑल देखें तो कुल रजिस्ट्रेशन में 85% रेजिडेंशियल और 10% कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर आज शिमला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया और इस दौरान लोगों ने रास्ते में पुष्प वर्षा कर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत भी किया। वहीं रैली में संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मेरा संकल्प है कि मैं हर नागरिक की सेवा करता रहूं। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि हमारे देश में दशकों तक वोट बैंक की राजनीति हुई है, इसने देश को नुकसान किया है, लेकिन हम देश के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। जब इरादा लोगों की सेवा और कल्याण करने का हो तो वोट बैंक नहीं बनाए जाते, बल्कि लोगों का विश्वास जीता जाता है। 2014 से पहले अखबार की सुर्खियों भरी रहती थी, हेडलाइन बनी रहती थी, टीवी के पर चर्चा होती रहती थी। बात क्या होती थी? बात होती थी लूट और खसोट की, बात होती थी, बात होती थी भ्रष्टाचार की, बात होती थी घोटालों की, बात होती थी भाई भतीजेवाद की, बात होती थी अफसरशाही की, बात होती थी अटकी लटकी फटकी योजनाओं की। लेकिन वक्त बदल चुका, आज सरकार। और वहीं शिमला के रिज मैदान से पीएम मोदी ने आज बटन दबाकर 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को 21,000 करोड़ से ज्यादा की किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किया। देश के करोड़ों करोड़ किसानों को उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो गया, पैसा उनको मिल भी गया। और आज मुझे शिमला की धरती से देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खाते में पैसे पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से नामांकन दाखिल किया है। आपको बताएं कि हरियाणा से निर्दलीय राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा राजस्थान से बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हैं। नामांकन दाखिल करने से पहले डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से विधानसभा लॉबी में मुलाकात भी की। इस समय में अपने पैतृक और अपनी जन्मभूमि राजस्थान में से चुनाव में भेजें, राज्यसभा का सदस्य बनाए, तो एक तो पहली बात यह कि राजस्थान से मैं नया नहीं हूँ, और दूसरी आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के 30 विधायकों ने तो मुझे समर्थन दिया है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। देश में मॉनसून को लेकर IMD यानी मौसम विभाग ने आज ताजा अनुमान जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल सामान्य बारिश रहेगी। वहीं जून से सितंबर तक 103% बारिश की संभावना है। जून में सामान्य बारिश की उम्मीद जताई गई है। IMD का कहना है कि 2 से 3 दिनों में सिक्किम, कोंकण, गोवा की ओर मॉनसून बढ़ेगा। वहीं महाराष्ट्र में समय से पहले मॉनसून आने की भी उम्मीद मौसम विभाग ने जाहिर की है।
हिमाचल प्रदेश के सोलन के मंदसार में पहाड़ दरकने का लाइव वीडियो सामने आया है। यह हादसा सोमवार देर शाम तब हुआ जब कालका शिमला नेशनल हाईवे नंबर 5 पर गाड़ियां सरपट दौड़ रही थी। हालांकि इस हादसे में गाड़ियां बाल बाल बच गई। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड शुरू हो चुका है। लैंडस्लाइड से अब पहाड़ों पर कई किलोमीटर जाम लगने लगा है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सोलन के मंदसार की हैं। लैंडस्लाइड गई है। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर जब गाड़ियां सामान्य तौर पर चल रही थी तभी ये लैंडस्लाइड हुआ और भारी तादाद में बड़े बड़े पत्थर और मलवा हाईवे पर आ गिरा, जिससे चारों ओर धूल ही धूल का गुबार उड़ा। लैंडस्लाइड से आए मलबे और पत्थरों की वजह से हाईवे काफी देर तक बंद रहा, जिससे हाईवे के दोनों ओर वाहनों की कई किलोमीटर तक लंबी कतारें लगी। हाईवे को खोलने के लिए पॉकलेन और जेसीबी मशीन की मदद ली गई है। फिलहाल हाईवे को वन वे खोल दिया गया है। अभी भी पहाड़ से पत्थर और मलबा गिरने की आशंका बनी हुई है। सोलन से पूनम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चार धाम यात्रा जारी है और अब तक उत्तराखंड में 12 लाख से ज्यादा चुके हैं, लेकिन इस यात्रा के दौरान अब तक 106 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। और यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार ने 50 से ज्यादा उम्र वाले श्रद्धालुओं के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी है। अगर आप भी चार धाम यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। कौन सी बातें हैं वो देखिए। उत्तराखंड में जारी चार धाम यात्रा में इस साल रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कोरोना के बाद फिर शुरू हुई इस यात्रा में हर कोई शामिल होना चाहता है, लेकिन तीर्थ यात्रियों की मौत में भी रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले आंकड़ों को देखें तो साल 2019 में 90 से ज्यादा, 2018 में 102, 2017 में 112 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई थी। ये आंकड़े पूरे यात्रा सीजन यानी अप्रैल मई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक के हैं, लेकिन इस बार महज 2 महीनों में ही मौत का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक ज्यादातर मामलों में हार्ट अटैक आने से मौत हो रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसा होने की कई वजह हैं। इसमें कोविड भी एक अहम कारण बन रहा है। विशेषज्ञों की माने तो कोविड संक्रमण की वजह से कई लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हुई है। इसके अलावा उच्च हिमालयी क्षेत्र में अनिश्चित मौसम से भी कई लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। कई लोग अनफिट होने के बावजूद भी यात्रा कर रहे हैं और जिसके उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। मौत के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। इनके मुताबिक 50 साल से ज्यादा उम्र के श्रद्धालुओं को हेल्थ स्क्रीनिंग करवाना अनिवार्य होगा। हेल्थ स्क्रीनिंग करवाने के बाद ही उन्हें दर्शन के लिए आगे भेजा जाएगा। ऐसा नहीं है कि चार धाम यात्रा में सिर्फ 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दिक्कत हो रही है। बदलते मौसम और कठिन पैदल मार्ग की वजह से किसी को भी परेशानी हो सकती है। ऐसे में जरूरी है कि आप यात्रा पर निकलने से पहले कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें, जैसे कि यात्रा पर जाने से पहले अपने डॉक्टर का परामर्श पर्चा और दवाएं साथ रखें। दवाओं की इमरजेंसी किट साथ लाना ना भूलें। गर्म कपड़े जरूर साथ लाएं। चढ़ाई पर जोश दिखाने की जरूरत नहीं, अगर पैदल चलना मुश्किल हो तो यात्रा को स्थगित करना ही बेहतर होगा। खाली पेट यात्रा ना करें और तले भोजन की बजाय सामान्य भोजन ही करें। शरीर में पानी की कमी ना होने दें और अगर आपकी उम्र 60 से ज्यादा है तो स्वास्थ्य परीक्षण जरूर कराएं, उसी के बाद आगे बढ़ें। इन सभी सावधानियों को अपनाकर अगर आप यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा के सफल होने की पूरी संभावना है। फिर भी यात्रा के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य पर नजर रखनी है और कुछ भी गड़बड़ दिखे तो डॉक्टर को दिखाने से हिचकेना। यात्रा के दौरान तब डॉक्टर को जरूर दिखाएं जब आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाए, बेहोशी या चक्कर आने लगे, उल्टी आने पर डॉक्टर के पास जाएं, सिर दर्द या घबराहट हो या फिर हाथ पांव या होंठ नीले पड़ने लग जाएं तो सतर्क हो जाएं और नजदीकी चिकित्सा केंद्र पहुंचकर स्वास्थ्य जांच जरूर करा लें।
याद रखिए, स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे तो चार धाम यात्रा अगले साल भी होगी। लेकिन अगर आपने अपनी स्वास्थ्य दिक्कतों को नजरअंदाज किया तो जीवन यात्रा थम जाने का खतरा भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत में हर साल 13.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत के जिम्मेदार अकेले टोबैको यानी कि तंबाकू है, जबकि दुनिया भर की बात करें तो तंबाकू से होने वाली मौत का यह आंकड़ा 80 लाख के पार है। ग्रामीण इलाकों में खैनी बीड़ी तो शहरी इलाकों में सिगरेट के तौर पर इसका खूब चलन है। वर्ल्ड नो टोबैको डे पर पेश है ये खास रिपोर्ट। सिगरेट के पैकेट पर साफ साफ बड़े शब्दों में चेतावनी लिखी होती है कि इसके पीने से कैंसर हो सकता है। टीवी, अखबार, फिल्म थिएटर, हर जगह तंबाकू के खतरे से आगाह किया जाता है। इसके बावजूद सिगरेट तंबाकू का सेवन करने वालों की तादाद में कोई कमी नहीं आई है। WHO के आंकड़े बताते हैं कि भारत में तंबाकू का 13.5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। इस आंकड़े से अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि करीब 41,000 युवाओं और 400 बच्चे सिगरेट के धुएं के संपर्क में आने के चलते जान गंवा देते हैं। अगर टोबैको से होने वाले ग्लोबल डेथ पर नजर डालें तो यह आंकड़ा 80 लाख से ऊपर का है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 28% लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 15 साल के ऊपर की उम्र के 38% पुरुष और 9% महिलाएं तंबाकू उत्पादों का सेवन करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में तंबाकू का सेवन ज्यादा है। यहां 43% पुरुष, 11% महिलाएं तंबाकू का सेवन करती हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में यह आंकड़ा पुरुषों पर 29% और महिलाओं पर 6% बैठता है। आपको बता दें कि तंबाकू हमारे जीवन के 13 साल कम कर रहा है, तो एक सिगरेट जिंदगी के 9 से 11 मिनट कम कर देती है। वहीं तंबाकू के सेवन से कैंसर, फेफड़े की बीमारी, हृदय रोग और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हर साल दुनिया भर में नो टोबैको डे के जरिए लोगों को इससे होने वाले खतरे से आगाह किया जाता है। इस बार वर्ल्ड नो टोबैको डे का थीम है प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण की रक्षा। इस थीम के पीछे एक ठोस वजह है, क्योंकि एक तरफ पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के दौर से गुजर रही है, तो वहीं ग्लोबल लेवल पर सिगरेट उत्पादन के लिए 60 करोड़ से अधिक पेड़ काटे जाते हैं और करीब 2200 करोड़ लीटर से अधिक मात्रा में पानी खर्च होता है। इसके उत्पादन में ही 8 करोड़ 40 लाख टन की मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यानी सिगरेट तंबाकू का सेवन करने वाले अपनी जान को जोखिम में डालते ही हैं, साथ ही पर्यावरण के लिए भी ये एक बड़ा खतरा है। देश में सर्वाधिक मिजोरम में 73% पुरुष और 62% महिलाएं तंबाकू का सेवन करती हैं और मणिपुर में यह आंकड़ा 58% और 43% बैठता है। जाहिर है इतनी बड़ी आबादी के तंबाकू सेवन करने से देश की स्वास्थ्य सेवा पर सालाना करीब 17,000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आता है। ऐसे में अगर कोई तंबाकू का किसी तरह से सेवन करता है तो आज से ही इसे छोड़ने का प्रण लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया में बेरोजगारी के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन सिंगापुर में इन दिनों कई कंपनियां और सरकारी विभाग काम करने वाले लोगों की कमी से जूझ रहे हैं। लेकिन इस मुसीबत से निपटने के लिए सिंगापुर में अब कई कंपनियां और विभाग रोबोट्स का इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं। निर्माणधीन इलाकों में, लाइब्रेरी में, कैफे में, अलग अलग जगहों पर काम कर रहे इन रोबोट्स को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये आने वाले भविष्य को दिखाने वाली कोई प्रदर्शनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये रोबोट्स सिंगापुर की एक बहुत बड़ी परेशानी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस परेशानी का नाम है कामगारों की कमी, वो कमी जो कोरोना पर काबू पाने के बाद से सिंगापुर झेल रहा है। लेकिन अब सिंगापुर ने अपनी इस परेशानी का हल निकाल लिया है। दरअसल सिंगापुर में कई जगहों पर रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मिलिए स्पॉट से एक रोबोट जो कंस्ट्रक्शन साइट पर निगरानी रखता है। जहां पहले निगरानी के काम के लिए दो लोगों की जरूरत होती थी, वहां अब ये काम अकेला एक रोबोट कर लेता है। There is, and especially during COVID period, we really felt that.
I think things have still not got back to pre-COVID. I don't think they ever will. So actually replacing the need for manpower on site with autonomous solutions is gaining real traction in the industry. अब मिलिए इबॉट से, जो लाइब्रेरी में काम करता है। इस रोबोट का काम है सही किताब को सही शेल्फ में रखना। इबॉट की खासियत ये है कि वो एक समय में 1,00,000 से भी ज्यादा चीजों का स्कैन कर सकता है। Staff need not read the core numbers one by one on the shelf, and this reduces the routine and labor-intensive aspects of this task, which is not sustainable to cope with the escalating manpower cost. दरअसल सिंगापुर में बड़ी संख्या में लोग बाहरी देशों से काम करने आते हैं, लेकिन कोरोना के बाद कई लोग अपने देश को लौट गए, या फिर जो पहले ही लौट गए थे वो वापस नहीं आए। ऐसे में सरकार ने रोबोट तकनीक को बढ़ावा देने की मुहिम छेड़ी और अब काफी हद तक लोगों को इससे मदद मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय या कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिए। नमस्कार।